नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल studymaker.99 में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको छूट निकालना सिखाने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस टाइप के। जैसे कि आपके कोई मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं या कोई दुकान पर शॉपिंग करने जाते हैं, तो उस प्रकार से आपको दिया रहता है कि 20% या 30% या 50% की छूट। तो वो छूट आप अपने अनुसार कैसे निकाल सकते हैं, वो हम पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। जैसे कि सवाल आपके सामने लिखा है कि वस्तु का दाम है 999 रुपया, जैसे कि मॉल में अगर दुकान पर लिखा रहता है 999, उस पर छूट मिली है 20% की। तो वो आपको एक्चुअल उसकी छूट देने के बाद संख्या कितनी होगी, कितने प्राइस की वो होगी वस्तु, वो हम आपको क्लियर करने वाले। जैसे देखिए, हमेशा वस्तु का 100% माना जाता है, जो उसमें छूट दिया रहता है उसको हम इस 100% से करते हैं माइनस, तो हमारा जो एक्चुअल प्राइस होता है वो निकलता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 80%। इस 80% हमारा है एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल छूट है। ठीक है, इस पे हम निकालेंगे 999 का। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो देखिए 80 निकला, तो 80 के ऊपर ही हम निकालेंगे, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे और 80% हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि 999 में हमारी वस्तु 80% के 100 में से माइनस किया ना 20, तो 80 निकला है, तो इस पे हम निकालेंगे। प्रतिशत हटेगा तो हमें 100 लगाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो 80 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत हमारा हटेगा तो नीचे हमारा 100 लग जाएगा। अब हमें इस संख्या को कटाना है, हमारा सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होता है, छूट होता है, प्रतिशत का होता है, वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो जितना बचेगा उस हिसाब से देख लेंगे। देखिए, जीरो से जीरो कट गया, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं 8 से 10, लेकिन सवाल को हमें आसान बनाना है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 999 का 8 में कर देंगे हम गुणा। गुणा करने के आप देख लीजिए कि आपका बनेगा 7992। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हमें क्या करना है कि नीचे 10 बचा, तो इस 10 से हम अब सिंपल तरीके से लगाएंगे भाग। इस भाग लगाने से सरल होगा, अगर यह ई की बजाय हम काट देते, तो यहाँ पे अगर हम काट देते तो वो हमारा कठिन हो जाता, प्रॉब्लम आती। यहाँ पे 10 से भाग लगा देंगे जब हम इसमें, तो देखिए क्या होता है, एक ट्रिक होती है, अगर 10 से आपको भाग लगाना है किसी भी संख्या में, तो देखिए 10 से लगाना हो या 100 से लगाना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें देखिए क्या करना है, जैसे कि 7992 आपका लिखा है, तो एक अंक बाद है ना दशमलव, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक जीरो है तो एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारा रुपया में आंसर आ जाएगा। इसको हम रुपया पैसे में कैसे लिखते हैं, देखिए पूरा इस साइड बना है 799, तो ये तो हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा रुपया, और जीरो के इस साइड है तो एक जीरो हम और लगा देंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे पैसे, यानी कि 799 रुपये और 20 पैसों की हमारी वस्तु थी, जो कि मॉल वाले 999 में 20% की छूट दे रहे थे। इस प्रकार से आपको छूट निकालनी पड़ती है, जो कि आपने सीख लिया। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदें तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि आप दैनिक क्रिया में इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु, उसमें छूट हमेशा मिलती है। अधिकतर हमने बताया मॉल हो, दुकानों हो, उसमें आपको मिला रहता है। इस प्रकार से हम समझेंगे तो हमारा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको और समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप जरूर से देखें। तो दूसरी सवाल हमने लिया है, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उसमें जैसे कि हमारी वस्तु है कितने की, 500 रुपये की। ठीक है, 500 रुपये की हमारी वस्तु है, उसमें हमें छूट कितने भी मान लीजिए आप अपने अनुसार, जैसे कि 15% का छूट दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने 500 रुपये की वस्तु है और 15 रुपये का छूट मिल रही है, तो वो एक्चुअल उसका प्राइस कितना होगा वो हमें बताना है। तो हमने बताया था प्रतिशत 100 में होता है, 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 85%। इसी पे हम 500 का प्रतिशत निकालेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि हमारा एक्चुअल प्राइस होता है जो कि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत में प्रतिशत एक बार हम हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए जीरो से जीरो हम इसको कटा लेंगे, यहाँ पे कोई नीचे संख्या नहीं बची, तो ऊपर के ऊपर संख्या का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 85 × 5 हम कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा डायरेक्ट देखिए 85 × 5 अब जब करेंगे तो 425 हमारा सही होता है। एक्चुअल प्राइस थी हमारी 425 रुपये की थी, 500 रुपये की उसने रेट जो रखा था। ठीक है, जो MRP होता है,
और 15% की उसने छूट दी, तो हमारी एक्चुअल प्राइस हो जाएगी 425, यानी कि 25 इसमें से कम हो जाएंगे, 75 इसमें से कम हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें निकालना पड़ता। आई होप कि आपने सीखा होगा। तो इसी प्रकार से आप अपनी भी जो भी आप वस्तु खरीदने जाएँ तो उससे पहले आप निकाल सकते हैं इस तरीके के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएँ। इसी प्रकार के हम कॉन्टेंट आपको लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।